नमस्ते दोस्तों। दोस्तों ये है कि MGA के 12 इंजन का कार्बोरेटर है। ये कार्बोरेटर कैसे काम करता है, मैं पहले एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है, मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ कि कार्बोरेटर कैसे काम करता है। दोस्तों ये एयर फिल्टर है और ये उसका पूरा कार्बोरेटर है। ये उसका मेन जेट है, देखता दिखाता हूँ। ये देखिए, ये उसका मेन जेट है। यहाँ एक छोटा सा सुराग है और दोनों साइड में दो सुराग है। ये एक है और ये एक है। अभी दोस्तों देखिए, इसके अंदर केरोसिन आता है या पेट्रोल आता है। ये दोनों नीचे देखिए दो होल है, इस साइड में एक होल है और इस साइड में एक होल है, दोनों साइड में दो होल है। वहाँ से ऑयल लोड होता है, यहाँ तक लोड होता है। ये जो होल है, इधर अगर ऑयल उसका पेट्रोल अगर यहाँ पर आ जाएगा तो इंजन नहीं स्टार्ट होगा, और ज़्यादा इंजन जो में ऑयल ज़्यादा जाएगा और ज़्यादा धुआं भी देगा, क्योंकि ये ओवरफ्लो की निशानी है। ये ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। यहाँ जो होल है इसके नीचे रहेगा ऑयल, पेट्रोल हो या केरोसिन हो, इसके नीचे रहेगा, उसके ऊपर नहीं आने का। उसके नीचे कैसे रहता है ये देखिए, ये उसको फ्लोट बोलते हैं। जब उसके अंदर केरोसिन आता है या पेट्रोल आता है, ये धीरे ये तैरने लगता है। तैरता हुआ यहाँ घुस जाता है। उसके ऊपर ये ऐसा रहता है ना, ये उसको टॉप फिट बोलते हैं। ये ऐसा रहता है, तैरता हुआ इसके अंदर घुस जाता है। जब इसके अंदर घुस जाता है तो किरोसिन या पेट्रोल जो आता है उसको ये बंद कर देता है, वो ओवरफ्लो से बच जाता है। किसी किसी मशीन में क्या होता है, ये इस साइड में या इस साइड में रुक जाता है। इसके वजह से आप जैसे ही किरोसिन डालोगे, यहाँ गिरेगा किरोसिन, यहाँ किरोसिन गिरेगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, कभी कभी खोल देते हैं, लगा नहीं पाते, ये जो सुई है ये बेंड हो जाता है। जब ये बेंड हो जाएगा तभी ये परेशानी होती है, यहाँ पर गिरने लगता है पेट्रोल। आप मारते मारते थक जाओगे लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होगा, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि यही बचाता है ओवरफ्लो को, यही ओवरफ्लो को बचाता है। अभी मैं आपको और एक दिखाता हूँ। देखिए इसको निकाला हुआ है, इसके अंदर किरोसिन घुस गया। देखिए आपको सुनाई देता हुआ, इसके अंदर किरोसिन घुस गया। अभी मैं आपको किरोसिन डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तैरने लगता है, ये तैरने लगता है। अभी दूसरा दिखा, ये देखिए ये डूब जाता है। जितना इसके अंदर किरोसिन भरा था वो पूरा डूब जाता है। और देखिए ये होल को भी क्रॉस कर चुका है। देखिए ये ऊपर जो होल था मैंने आपको दिखाया था, वो होल को भी क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। अगर स्टार्ट भी हो गया पेट्रोल से तब धुआं देने लगेगा ज़्यादा। अभी किरोसिन को खाली कर देते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, ये मेन जेट है, इसके नीचे से जो किरोसिन आता है वो यहाँ निकलता है, यहाँ निकलता है। देखिए यहाँ, यहाँ से निकलता है और सीधा ऊपर की तरफ जाता है इंजन में। जब यहाँ से तेज़ी से हवा, यहाँ से अगर जितना तेज़ी से हवा जाता है ना,
तो यहाँ से उतना तेज़ी से किरोसिन निकलता है या पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल या किरोसिन निकलता है इतना ज़ोर से। और ये पायलट जेट है, ये एयर स्क्रू को एडजस्ट करने के लिए यहाँ जो एयर स्क्रू लगा है उसको एडजस्ट करने के लिए ये क्या करता है, बाहर से जो एयर आता है उसको एडजस्ट करता है। इसका एक छोटा सा होल है, मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाई नहीं देगा। यहाँ से वो इसी साइड में एक छोटा सा होल है, एक सुराग है यहाँ से। ये क्या करता है, जब हवा तेज़ी से नीचे से आता है, जब हवा तेज़ी से नीचे से ऊपर तक आता है, तब यहाँ से किरोसिन हो या पेट्रोल हो जो भी हम फ्यूल देते हैं वो ऊपर तक जाता है, ये एयर स्क्रू एडजस्ट करने के लिए। ये जो स्क्रू को ना स्पीड को एडजस्ट करने के लिए, इसको आइडल स्क्रू बोलते हैं और इसको एयर स्क्रू बोलते हैं। ये उसके ऊपर ऐसा रहता है और हम उसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट कैसे करें, एक ही बार में फुल टाइट कर दीजिए, स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद उसको धीरे 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 खोलिए, जहाँ पर ज़्यादा स्पीड पकड़ेगा वहीं पर छोड़ दीजिए, नहीं तो और थोड़ा खोलिए वो बंद होने लगेगा जब उसको और थोड़ा टाइट कर दीजिए, वो अपने बराबर आ जाएगा। ऐसे एडजस्ट करना है उसको, नहीं तो मैं आपको और एक दूसरा वीडियो बना के भेज दूँगा ये कार्बोरेटर के बारे में। कभी कभी और भी मेरे पास कमेंट आता है कि भाई मेरा मशीन चोक तो देता हूँ, स्टार्ट होता है, जब चोक नीचे डालता हूँ तो स्टार्ट बंद हो जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपका किरोसिन हो या पेट्रोल हो वो बराबर इसके अंदर नहीं आता है, इसीलिए वो स्टार्ट बंद हो जाता है चोक डालने से। क्योंकि जब चोक डालते हैं हम ऊपर तो वो ज़बरदस्ती किरोसिन हो या पेट्रोल हो ज़बरदस्ती खींचने लगता है, जब हम नीचे डाल देते हैं ना तो वो बंद हो जाता है, क्योंकि किरोसिन हो या पेट्रोल हो वो अंदर नहीं आकर पहुँचता है। ये एक रीज़न है। आप पहले टैप को खोल के देखिए किरोसिन आता है कि नहीं, ये दोनों स्क्रू को खोल दीजिए नीचे और देखिए टैप को खोल के किरोसिन आता है कि नहीं। अगर किरोसिन आता है तो और एक काम कीजिए, अगर किरोसिन बराबर आता है फिर भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उसको क्या करने का, इसको फुल टाइट करने का चोक डाल देने का। चोक डालने के बाद धुआं निकलेगा, जब फुल टाइट करोगे चोक डालने के बाद धुआं निकलेगा, उसको धीरे 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 खोलने का, जहाँ पर ज़्यादा स्पीड पकड़ेगा वहीं पर छोड़ देने का, आपका काम हो गया और कोई दिक्कत नहीं। यही छोटा मोटा प्रॉब्लम है, अगर आप धीरे धीरे करोगे तो अपने आप को एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं रखता हूँ।